बहुत पुरानी बात है, एक बरगद के पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा कामचोर था, उसने पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। जल्दबाजी और कामचोरी के कारण उसका घोंसला मजबूत नहीं बना। कुछ दिनों बाद उस पेड़ पर रहने के लिए एक बया आई। बया बहुत मेहनती थी। वह अपना घोंसला उस पेड़ पर बनाने लगी। वह कहीं दूर से सरकंडे की पतली सीख लाती थी और अपनी तेज चोंच से उसे चीरकर सावधानी से घोंसले में बनाती थी। इस तरह करते देखकर कौए ने उसका मजाक बनाया और बोला, इस तरह घोंसला बनाओगी तो सारी उम्र बीत जाएगी। कौए की बात सुनकर बया ने बोला कि भैया, मेरी माँ ने मुझे लगन और मेहनत के साथ काम करने की सीख दी है। यह सुनकर कौवा बया पर हंसने लगा। बया ने कौए की बात को अनसुना कर दिया और अपना काम करती रही। अगले दिन जाकर उसका घोंसला पूरा हुआ। अब बया उसने रहने लगी। दिन बीतने लगे। एक दिन बड़े जोर की आंधी आई। छोटे पेड़ टूटकर गिर गए। कौए का घोंसला भी उड़कर बिखर गया। कौए ने पेड़ के कोटर में छिपकर अपनी जान बचाई। जब आंधी रुकी तो कौवा बया के घोंसले के पास गया। उसका घोंसला सही सलामत अपने स्थान पर मौजूद था। कौए को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बया से कहा, बया, मैंने मेहनत से जी चुराया और तुम्हारा मजाक उड़ाया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी सीख जीवन भर याद रखूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो या रोजाना नई कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।